पश्चिमी बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जिसके बाद रेल मंत्री अश्विन वैष्णव का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया। रेल कवच तकनीक पर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाना शुरू कर दिया। नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का रेल कवच के बारे में समझाते हुए एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल कवच के बारे में बता और समझा रहे हैं। दुर्भाग्य अब तक ये रहा कि अश्विन वैष्णव की ये तकनीक अगर बढ़ते भारत में जल्द आ गई होती तो ना बालासोर जैसे बड़े ट्रेन हादसे होते, ना आए दिन गाड़ियों के टकराने की खबरें हेडलाइंस बनती। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाय चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे, उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने व्हिसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है।